हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज सेई, सुई, टिया, ठीक है, और पोलका डॉट के बारे में। ठीक है, इन सब टोकन्स के बारे में एक ही वीडियो में मैं कवर कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को एक ही में सब जगह एक ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मैंने यहाँ पर फ्री डेमो लेक्चर भी अपना डाला है। आपको बताया फंडिंग रेट और ओपन इंटरेस्ट को जोड़ के कैसे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ये बिटकॉइन की शॉर्ट दी थी, इथेरियम की शॉर्ट सुबह दी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हैं। विफ को लेकर टारगेट दिया है। तो ये टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो बहुत कुछ मिस आउट करें, इसलिए तुरंत जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। आज हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, वीडियो स्टार्टिंग करेंगे डेली चार्ट से डॉट के। पोलका डॉट के चार्ट की बात करें तो ये एक एरिया बढ़िया बाउंस बना 4.8। ये वीक में अच्छी खासी वॉल्यूम आई डेली के कैंडल में एंड अबव एवरेज वॉल्यूम थी। अगर इसको हम सही से देखें वीकली में तो हमें दिखता है कि बहुत अच्छी एक विक बनी थी। इस विक के बाद हमें ये चाहिए कि स्टोकैस्टिक तो अच्छी खासी ओवरसोल्ड है बट RSI ने पूरी तरह से टच नहीं किया। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि लास्ट टाइम जब बॉटम डॉट का मार्क हुआ था वो इसी RSI की जगह पे हुआ था, तब भी RSI पूरी तरह से ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमें ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं हम बॉटम के एकदम परफेक्ट एरिया पे नहीं हो सकते लेकिन परफेक्ट उसके आसपास है, कहीं भी बॉटम हो सकता है। हो सकता है ये नीचे आके थोड़ा बहुत इस विक का आधा फिल करे, वहाँ से बाउंस करे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डॉट यहाँ पर वायबल है उन लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पर 50-100% रिटर्न चाहिए विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। ये इतना पॉसिबल है आराम से। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पकड़ना जब स्टार्ट करेगा तो पोलका डॉट में अच्छी रैली आएगी। टारगेट्स बीइंग $16। इस साइकिल का मैं हाईएस्ट जो देख रहा हूँ $16 अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रोडक्ट में उतने डेवलपमेंट नहीं देख रहा है, बट प्राइस वाइज मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि 16 तो ये जाएगा। ठीक है, मतलब एक उस तरह की बात होगी कि 16 के ऊपर जाएगा कि नहीं वो कन्फर्म नहीं है बट 16 तो ये जाएगा। ठीक है, 16 तक आप इसको रख सकते हो आराम से। उसके अलावा कोई भी बात होगी तो वो चीज़ें आप लोग को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी अगर आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुई के बारे में, क्योंकि सुई बीच में काफ़ी अच्छा रैली किया। लास्ट टाइम मैंने गोल्डन पॉकेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो फिब का लेवल 0.80 सेंट्स के अराउंड आता है, फिर 73 सेंट्स के अराउंड आता है। तो अगर हम इस लेवल को हटा दें तो अब हम मार्क कर सकते हैं इस एरिया को, ठीक है, फॉर बेटर बाइंग। अगर सुई नीचे गिरता है तो हम ले सकते हैं। बाय द वे ये जो 89 सेंट्स का या 90 सेंट्स का एरिया है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये ऊपर गया डेली में, बात बता रहा हूँ डेली में इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आया इस पूरे EMA बैंड को। अगर यहाँ से रैली स्टार्ट होती तो बहुत मज़ेदार काम होने वाला आने के आने वाले टाइम में। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया मुझे चार्ट लग रहा है सुई का। ठीक है, सुई में एक अच्छी चीज़ यही कि यही एक ऐसा कॉइन मुझे रिसेंट में दिखा है जिसने डेली के EMAs को मतलब पूरी तरह से फाड़ दिया था और रिसेंट में काफ़ी अच्छी विक बनाई। नीचे आ रहा है भले कोई नहीं, जब तक ये लूज़ नहीं कर रहा ना, जब तक ये 81 सेंट्स के नीचे नहीं आ रहा, 80 सेंट्स के नीचे नहीं आ रहा, तब तक कोई ख़तरा है ही नहीं। ठीक है, गोल्डन पॉकेट जोन जो है वो ये है। ठीक है, याद रखना। तो ऑलमोस्ट अगर ये नीचे आता है 30-40 मान लो 20% 10% भी नीचे आता है तो आप इसे बाय कर सकते हो। जैसे मैं टॉप से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 27% 32% मान लो ये यहाँ पर 20% ऑलरेडी डाउन है टॉप से। ठीक है, तो आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डेली में यही कॉइन ऐसा है जो अच्छा दिख रहा है, बट RSI थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है डेली में थोड़ा ओवरसोल्ड, तो थोड़ा बहुत वेट कर लेना। अगर आपको 80 सेंट्स की रेंज में मिल गई ना बाइंग तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं टिया की। सो टिया से पहले टिया की बात करते हैं। टिया में RSI की बुलिश डाइवर्जेंस थी जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में अपडेट करी थी, वॉल्यूम अच्छा आया था। उसके बाद हमें यहाँ पर एक वीकली डेली कैंडल मिली अच्छी खासी सेलिंग, उसके बाद टिया उठ ही रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.9 से 5.6 तक आ चुका है। इसमें भी यही है कि भाई डेली के MS या फिर $7 के ऊपर क्रॉस करे तब हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा और वो अच्छा मोमेंटम हमें 11.9 ऐसे करके ले जाएगा। ठीक है, स्टोकैस्टिक काफ़ी ओवरबॉट है, ये इसमें एक अच्छे खासे मूव का चांस है। जैसे RSI है, RSI पूरी तरह से ओवरसोल्ड ओवरबॉट नहीं है, यहाँ पर इतनी एरिया का एक चांस दोनों में बन रहा है, इतना एक्सपेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेई की तो सेई जो कॉइन है वो यहाँ पर एकदम अपने बॉटम के अराउंड है अगर हम बात करें, और इसमें 4 आवर वीकली सब में देखें तो ये एक बहुत बेहतरीन सेटअप लग रहा है जो कि एक बाइंग का लग रहा है। जैसे आप L1 की बात करते हो ना कभी, तो इसने अच्छी खासी रैली की, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन है अगर हम वहाँ से कंपेयर करें टॉप से, तो इट हैज़ कम टू अराउंड 82%। ठीक है, इसी अराउंड सारे कॉइन्स हुए हैं, 82% इज़ अ गुड एरिया जो आपको मिल रहा है। यहाँ पर एरिया इसलिए बताया, यहाँ वीकली का प्राइस एक्शन अच्छा था तो इसीलिए ये एरिया अच्छा बाइंग का बताया था, 28 सेंट्स 23 सेंट्स के बीच में। तो 20 से 30 सेंट्स के बीच अगर सही मिल रहा है इसको भी एक्यूमुलेट किया सकता है। बात जो वेट मैं कर रहा हूँ वो इसमें वीकली की ग्रीन वॉल्यूम का वेट कर रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम ग्रीन हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस एक्शन में सुई का डेली में तो हम यहाँ पर फंडिंग देखेंगे बॉटम के अराउंड, काफ़ी इसकी नेगेटिव हो गई थी जिसके बाद एक शॉर्ट स्क्वीज आई है और OI बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन OI गिर गया जब प्राइस ऊपर नहीं उठाया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कई लॉन्गर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो गए। ठीक है,
ये जो OI गिरा है ना एटलीस्ट 229 मिलियन से आके 137 तक, तो ये पूरा लोग जो लॉन्ग्स करने वाले वो लिक्विडेट हुए हैं। अभी और लिक्विडेट होंगे कि नहीं वो देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी हम कैसे लॉन्ग बना सकते हैं, 0.38, 2.5 और 0.618 के लेवल्स पर लॉन्ग बना सकते हैं अपनी बेहतरीन, ठीक है। इसके अलावा अच्छा कॉइन मुझे तो विफ लग रहा है। इसके अलावा हमने सुई देख लिया, सेई को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें चार्ट में क्या कहता है, इसमें फंडिंग और ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, ठीक है, सेई का। तो लेट्स सी, अगर हम सही में देखें फंडिंग एकदम नेगेटिव है, विच इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पर लॉन्ग बनाया जा सकता है, लोग शॉर्ट्स पे इंटरेस्टेड हैं, OI काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो हाँ सही अच्छा लग रहा है लॉन्गिंग के लिए। अगर हम इस एरिया में देखें, और चार्ट तो अच्छा था ही, सही का चार्ट तो अच्छा था ही, ठीक है, तो वो चीज़ तो अच्छी है ही, ठीक। इसके अलावा सही के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन से कॉइन की बात करी थी, पोलका डॉट की बात कर लेते हैं। पोलका डॉट का क्या लग रहा है, लेट्स सी। अगर हम पोलका डॉट देखते हैं तो उसमें हमें फंडिंग जो है नेगेटिव पिछले काफ़ी दिनों में देखी, अच्छी बात है। OI गिर गया है ऑलमोस्ट, तो लोग यहाँ पर अनइंटरेस्टेड है, विच इज़ अ गुड एरिया। जब भी लोग अनइंटरेस्टेड हो आप अच्छी खासी बाइंग वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, वो एक अच्छा एरिया होता है जहाँ पर आप बाय कर सकते हो। चार्ट भी बहुत प्यारा है, यहाँ से बाउंस तो बन ही सकता है, ठीक है। एरिया टूटेगा नहीं टूटेगा वो पता चलेगा आने वाले दिनों में, लेकिन आप SL रखना चाहो तो 3.5 रखो, 4.4 पे लॉन्ग ले सकते हो, सिंपल है, ठीक है। डॉट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बचता है सही की हम बात कर लेते हैं, सही का क्या चल रहा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सही की बात करें तो नेगेटिव है ही, सुई की बात हमने कर ली थी, और इसके अलावा टिया बचा हुआ है, टिया की बात कर लेते हैं, टिया क्या चल रहा है, ठीक है, लेट्स सी। सो टिया में काफ़ी गंदी फंडिंग नेगेटिव है, और ये एक अच्छा साइन हो सकता है क्योंकि OI भी बढ़ रहा है, लोग शॉर्ट करना ही प्रेफर कर रहे हैं टिया को, तो इसमें भी अल्टीमेटली शॉर्ट्स को ही जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है। बहुत बेहतरीन चार्ट सेटअप है, फंडिंग एकदम ही नेगेटिव हो गई, हाईएस्ट नेगेटिव थी लास्ट टाइम, तो मेरे ख्याल से इसमें भी अच्छा बाउंस मिलेगा। तो आपको मैंने चार्ट बता दिया, एरियाज बता दिए, सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।